आप सभी को सोनिया का नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग में। आज के वीडियो में हिंदी साहित्य की अमर कृति गोदान के मुख्य पात्र होरी का चरित्र चित्रण लेकर आई हूँ। कुछ वर्ष पहले मुंशी प्रेमचंद की इस कालजयी कृति के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसे अब तक आप लोगों का प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। आइए आज गोदान कहानी के मुख्य पात्र होरी को समझते हैं। गोदान सिर्फ इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यासों में शामिल है। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में उस काल के किसान की आकांक्षाओं और संघर्ष का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। यह औपनिवेशिक शासन के दौरान महाजनी मकड़जाल में फंसे एक निरीह किसान के शोषण तथा उसकी वेदना की कथा है। वैसे तो इस उपन्यास में अनेकों पात्र हैं और शहरी और ग्रामीण दो कहानियां साथ साथ चलती हैं, पर आज के वीडियो में हम सिर्फ होरी, जो कि पूरे किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, के बारे में बात करेंगे। समझने की सुविधा के लिए होरी की चारित्रिक विशेषताओं को मैंने कुछ शीर्षकों के अंतर्गत बांट दिया है। आइए जानते हैं। पहला, सदगृहस्थ। होरी अवध प्रांत के बेलारी ग्राम का एक सामान्य सा कृषक है। उसके परिवार में उसका बेटा गोबर, दो बेटियां सोना और रूपा और पत्नी धनिया है। वह पूर्ण रूप से एक पारिवारिक आदमी है। अपनी जमीन पर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उसे दो वक्त का भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है। अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह कर्जा लेने से नहीं हिचकिचाता, जबकि वह ये जानता था कि महाजनों के मकड़ जाल में फंस जाओ तो निकलना मुश्किल है। वह एक स्नेहिल पिता है। वह अपने परिवार के अभाव को देखकर सोचता है कि अगर वे दोनों भाई अलग नहीं हुए होते तो आज उसके बच्चे को भी दूध मिल रहा होता। यदा कदा वह धनिया की पिटाई भी कर देता था, पर उसके बारे में भी सोचता था कि वह अभावों के चलते असमय ढल गई है। होरी अपना परिवार पालने के लिए मजदूरी भी करता है। बेटे के भाग जाने पर भी वह अपनी बहू को आश्रय देता है। गोबर के बेटे के लिए दूध का इंतजाम हो सके, इसके लिए वो एक गाय खरीदना चाहता है। ऐसे ही होरी ने एक सदगृहस्थ होने के अनेकों प्रमाण दिए हैं। दूसरी विशेषता, सरल एवं कर्मठ। होरी एक अत्यंत सरल किसान है, जो कि साहूकार, पटवारी, पंचायत आदि के हाथों शोषित होने पर भी उसे ही अपनी नियति मानता है। वह समाज से डरता है, परंतु अपने परिवार और रिश्तेदारों की मुसीबत में सहायता करना भी अपना कर्तव्य मानता है। अपनी सरलता के चलते वह अनेकों बार विभिन्न लोगों द्वारा किए गए अन्याय का शिकार होता है। वह बहुत ही नर्म दिल का है। उसे ये भी डर रहता है कि कहीं उसके हाथों कोई पाप ना हो जाए। स्वयं के घर में भूसे की कमी होने के बावजूद वह भोला के घर पर भूसा पहुंचा देता है, ताकि उसकी गाय जीवित रहे। होरी इतना सरल है कि अपने भाई की अनुपस्थिति में उसके परिवार का भार भी अपने सिर पर निस्वार्थ उठा लेता है। अपने भाई को माफ भी कर देता है। वह अत्यंत कर्मठ है। उसका संपूर्ण जीवन कठिन परिश्रम करते हुए ही बीता। वह बीमार होने पर भी काम करना बंद नहीं करता है, और उसी अवस्था में काम करते करते ही वह मर जाता है। तीसरी विशेषता, भ्रातृ प्रेम। होरी को अपने भाइयों से अथाह प्रेम था। अलग होने के बाद भी वह उनके लिए स्नेह रखता था। जब सब उसके घर गाय देखने आते हैं, तो वह चाहता है कि उसके दोनों भाई भी गाय देखने आएं। अपनी गाय की हत्या के आरोप से भी वह अपने भाई हीरा को साफ बचा लेता है। वह अपने भाइयों को अपने दुख सुख में साथ देखना चाहता है। अपने भाई हीरा की अनुपस्थिति में वह उसके परिवार का भार भी संभालता है। हीरा की पत्नी पुनिया की जब चौधरी के साथ झड़प हो जाती है, तब होरी आग बबूला होकर चौधरी को लात जमाते हुए कहता है
तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लूं। हीरा ने जब लौटकर होरी से क्षमा मांगी तब होरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके मन में अपने भाई के प्रति कोई द्वेष न था। चौथी विशेषता, व्यवहार कुशलता। कहानी में होरी की व्यवहार कुशलता का भी परिचय मिलता है। वैसे तो होरी अत्यंत सरल आदमी है, परंतु परिस्थितिवश अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वह नहीं चूकता था। वह राय साहब के यहाँ बराबर आना जाना रखता था ताकि उनकी दया दृष्टि उस पर बनी रहे, जरूरत पड़ने पर कर्जा मिल सके। इसलिए वह महाजनों से अच्छे संबंध बनाए रखता था। अपने संघर्षशील जीवन में वो जरूरत पड़ने पर खुशामद करना भी सीख गया था। छोटे मोटे छल और झूठ को वह अनुचित नहीं मानता था। उसके अनुसार यह सब दरिद्रता की मजबूरियां हैं। पांचवी विशेषता, होरी का भाग्यवादी होना। होरी एक भाग्यवादी इंसान है। अपनी दरिद्रता को वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानता है। शोषक वर्ग के हाथों शोषित होना वह अपनी नियति मानता है। होरी की पत्नी धनिया जब जब अन्याय का विरोध करती है, होरी उसे ही गलत ठहराता है और जो भाग्य में है उससे समझौता करता है। वह अपने बेटे गोबर से कहता है कि छोटे बड़े तो भगवान के घर से ही बनकर आते हैं। होरी ने जीवन भर संघर्ष किया पर भाग्य बदलने की कोशिश कभी नहीं करी। छठी विशेषता, धर्म भीरू। होरी एक औपनिवेशिक काल के आम निर्धन किसान की ही तरह अत्यंत धर्म भीरू है। वह समाज से भी डरता है, पंचों से भी डरता है, पंचों को परमेश्वर मानता है। वह अपने बेटे गोबर को समझाता है कि छोटे बड़े तो भगवान के घर से बनकर आते हैं और संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। राय साहब ने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए थे उसका आनंद भोग रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया तो भोगे क्या। होरी गांव की पंचायत द्वारा दिया गया दंड भूखों रहकर भरता है। धूर्त दाता दीन जब मूल से कई गुना अधिक ऋण वसूल करता है तब भी होरी मानता है कि ब्राह्मण से लिए गए पैसे पूरे ना चुकाए तो उसे कोढ़ हो जाएगा और भगवान का क्रोध सहना पड़ेगा। धर्म के नाम पर उसे अन्याय और अत्याचार का शिकार होना मंजूर है। धर्म निभाने के चक्कर में वो अपनी पत्नी धनिया की फटकार सुनता है, अपने पुत्र के व्यंग भी सहता है। होरी इतना धर्म भीरु है कि वह कभी भी अमीरों के शोषण के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। उसे शोषित होना स्वीकार है पर बगावत करना नहीं। होरी मर्यादा की रक्षा को तत्पर रहता है। अपनी बहू को घर में रखकर कठिनाइयां झेलता है। अपने भाई के परिवार की सहायता के चक्कर में उसका अपना घर खाली रह जाता है। ढोंगी ब्राह्मण को भी वह पूज्य मानता है। अपने दब्बूपन को वह धर्म की रक्षा करना समझता है और चुपचाप सारे दुख सहता रहता है। होरी के चरित्र की सातवीं विशेषता, दयालु एवं मानवता से परिपूर्ण। होरी एक उदार हृदय और मानवता से परिपूर्ण इंसान है। उच्च वर्ग के अन्याय और शोषण भी उसे उसके मार्ग से विमुख नहीं कर पाए। स्वयं अभावों में जीते हुए भी वह पुनिया को बेसहारा जानकर उसकी मदद करता है। वह अत्यंत दयालु था। अपने प्रति किए गए बड़े बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देता था। अपने भाई हीरा को भी उसने गोहत्या के आरोप में पुलिस से बचाया। जब अपने दुर्भाग्य और निर्धनता के कारण वह अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता तो उसे बड़ा बुरा लगता था। माता दीन जब सिलिया को त्याग देता है तब होरी ही उसे शरण देता है। मानवता उसके लिए सर्वोच्च थी। उसका बेटा गोबर जब अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है तब होरी सारी कठिनाइयां सहकर भी उसे आश्रय देता है। आठवीं विशेषता, सामाजिक प्रतिष्ठा की लालसा। होरी की अपने समाज बिरादरी में सम्मान पाने की लालसा है। वह गांव के लोगों से आदर प्राप्त करना चाहता है। जब उसके घर गाय आती है तो वह उसे आंगन के बजाय अपने द्वार पर बांधना चाहता था ताकि गाय को देखकर लोग पूछे यह किसका घर है, तो लोग कहें होरी महतो का। उसके लिए गाय सजीव संपत्ति थी और गौरव का विषय थी। जब गाय को देखने दर्शकों
और आलोचकों का ताता लगा हुआ था, तब होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। गांव वालों की दृष्टि में सम्मान पाने के लिए वह बांसों की बिक्री द्वारा प्राप्त 5 रुपए राय साहब द्वारा सुनियोजित की जाने वाली धनुष लीला में दे देता है। वह राय साहब की खुशामद यह सोचते हुए करता है कि गांव वाले उसे उनका आदमी समझेंगे। जब उसका अपना भाई उसकी गाय को मार देता है तो भी वह पुलिस से झूठ बोलता है ताकि उसके घर की इज्जत बनी रहे। नवी विशेषता, यथार्थ चरित्र। प्रेमचंद ने होरी के रूप में एक सच्चा पात्र गढ़ा है। होरी जहां एक तरफ सरल और कर्मठ है, वहीं कुछ फायदों के लिए वो छोटे मोटे छल भी करता है। कई जगहों पर वह एक आदर्शवादी पुरुष जान पड़ता है। जब वो अपने भाई के परिवार की मदद करता है, पुनिया के लिए चौधरी को धमकाता है और अपनी बहू को अपनाता है, वह कभी कभार अपनी पत्नी को पीट भी देता है, परंतु मन ही मन सोचता है कि वो उसे कभी कोई खुशी नहीं दे पाया। कई जगहों पर वह डरपोक और पलायनवादी लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि एक आम निर्धन आदमी परिस्थितिवश हो जाता है। सभी गुण दोषों का एक मिश्रण। होरी एक ऐसे कालखंड में एक निर्धन किसान के रूप में जन्मा है जहां शोषक वर्ग के हाथों शोषित होना ही उसकी नियति थी। जैसा उसने बचपन से अपने चारों तरफ देखा वो वैसा ही बन गया, परंपरावादी, धर्मभीरु और भाग्यवादी। होरी के चरित्र की 10वीं विशेषता, होरी बहुत ही महत्वाकांक्षी परंतु बेबस था। होरी की आजीवन एक सरल सी महत्वाकांक्षा रही। वह चाहता था कि उसके पास अपनी गाय हो। गाय पालना उस समाज में बहुत आदर और गर्व का विषय माना जाता था। वह एक गाय घर में लाने के लिए छोटी मोटी चालाकियां भी करता है, परंतु होनी के आगे उसकी एक ना चली। उसका स्वयं का भाई ईर्ष्या के चलते उसके गाय की हत्या कर देता है। होरी का पूरा जीवन अभाव और कष्ट सहते हुए बीत जाता है और जीवन के अंत तक उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती। ये होरी के जीवन की विडंबना ही रही कि एक गाय पालने की लालसा लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए और मरणासन्न अवस्था में भी सब उसकी पत्नी से गोदान करवाना चाह रहे थे। यह लेखक का हमारी सामाजिक कुरीतियों और व्यवस्थाओं पर गहरा कटाक्ष है। निर्धन निरीह होरी ना तो आजीवन एक गाय पाल पाया, ना ही मृत्यु पर ही गोदान कर पाया। गरीब का न लोक सुधरा न परलोक। होरी के चरित्र को प्रेमचंद ने अपनी कल्पना शक्ति से जीवंत कर दिया है। होरी अब सदा एक बेबस और अमर किसान का प्रतिनिधित्व करेगा जो जीवन पर्यंत शोषण का शिकार होता है और उसे ही अपनी नियति मानते हुए संसार से कूच कर जाता है। उसकी आकांक्षाएं, उसके दुख दर्द एक आम समाज के लिए कोई मायने नहीं रखते। इस रचना में प्रेमचंद ने यथार्थवाद को बिना किसी लाग लपेट के खरा खरा दर्शाया है। नतमस्तक हूं मैं ऐसे लेखन के सामने। तो आशा है होरी को समझने में अब आपको कुछ आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। फिर मिलते हैं एक और कहानी या किरदार के साथ। तब तक Keep spreading the joy of reading. Namaskar.